गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग रिटर्न्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। गाइस, आज क्या है आप लोग को मालूम है? आज मेरा बर्थडे है, तो 17 जुलाई मेरा बर्थडे होता है गाइस। तो आज हम आप लोग के लिए थोड़ा रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि आज बनाएंगे हम फिश करी गाइस। तो अभी हम नहा धो के रेडी हो गई हूँ, लेकिन मंदिर नहीं गया हूँ, घर में पूजा हो गया। तो अभी हम खाना पकाएंगे। रोकेला में बहुत बारिश है गाइस, बारिश का वजह से बाहर निकलने के लिए भी नहीं सक रहा है। तो अभी थोड़ा रुका है, इसलिए आप लोग को थोड़ा वीडियो बना लेंगे। सोचा था तो बर्थडे में आप लोग सब लोग विश कर देना गाइस। तो ये है मेरा भाई का रूम, भाई लोग जॉब पे गया है गाइस, जल्दी चला गया। हम अभी 9 बजे को उठा है गाइस, तो खाना पकाएंगे। तो इधर है मेरा प्यारा सा किचन गाइस, देख लो मेरा किचन में पूरा गंदा हुआ। तो इधर है फिश मसाला गाइस, लाके रखा है आज फिश मसाला, और बर्तन भी धुलाया नहीं है, बाद में धुलाएंगे। चाय पी लिया था ना गाइस, तो उधर में रख दिया है। यहाँ पे खाना था तो खाना हो गया, क्योंकि कुकर जो रेड रेड दिख रहा है, तो पानी जो आयरन का जैसा लगता है। तो सब्जी देखो गाइस, मेरा सब्जी भी ज़्यादा नहीं है, तो फिश करी के लिए तो मेरे को सब्जी नहीं चाहिए गाइस। तो फिश करी के लिए आज लोग देख लो मेरा प्यारा सा किचन गाइस, रखने के लिए सामान। हम लोग बाहर में है इसलिए कुछ भी सामान नहीं लिया है, जो है वही है। तो बूबू भी उठ गया है, पापा भी है, देख लो बूबू बाहर नहीं करेगा, वो अभी सो के उठा है। तो इधर है फिश गाइस, देख लो फिश, इतना प्यारा सा फिश है, मेरा जैसा बड़ा वाला मछली है गाइस। तो ये काट के रखा, छोटा छोटा पीस है, देखो प्यारा सा पीस बॉइल करके रखा है, क्योंकि यहाँ का मछली बहुत बदबू है, क्योंकि गंदा स्माइल जैसा लगता है, स्माइल जो अच्छा नहीं लगता, उसका खुशबू अच्छा नहीं लगता है गाइस, खुशबू के लिए हमको बहुत बुरा लगता है। इसलिए फिश मसाला नहीं होगा तो ये करी पिपर नहीं होगा, बहुत खराब लगता है। तो हम और एक चीज लाने के लिए जा रहे हैं, अब मेरा घर का पास ही है गाइस, आप लोगों को दिखाएंगे क्या लेने के लिए जा रहे हो। देखो 1 साल हो गया मेरा चप्पल लेने वाला, आप लोग वीडियो में देखेंगे। तो ये 1 साल का चप्पल है, आज समय तो 1 साल हो गया, देख लो गाइस कितना प्यारा है। तो मेरा बारिश का वजह से पूरा भीजा हुआ है जगह जो। तो देखो हम लेने आया है आज आप लोग को मेरा प्यारा सा कड़ी पत्ता पेड़, देख लो गाइस यहाँ पे मेरा कड़ी पत्ता पेड़ है, घर का पास ही है, इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आ गया। तो थोड़ा ले लेंगे, फिश करी में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो केरला पे सब लोग ये यूज करते हैं, यूज चाहिए चाहिए करी में। तो हम फिश मसाला और ये नहीं होने से तो नहीं होगा, और एक चीज से आप लोगों को वो भी दिखाएंगे, तो आप लोगों को फिश अच्छी तरह दिखा लेंगे। ये रहा फिश, तो अभी बनाएंगे गाइस। ओह माय गॉड, आप लोग भी खा के कैसा टेस्टी लगा। ये रहा करी पत्ता, और इधर है अदरक और लहसुन मिर्ची, इधर पे प्याज कटिंग हस्बैंड ने काट दिया था, क्योंकि बेबी रो रहा है बदमाश से ना। तो अभी ये रहो फिश, देखो गाइस ओह माय गॉड, टेस्टी से बनाएंगे, आप लोग का साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो इधर देखो गैस ऑन, तो अभी ऑयल लेना है गाइस। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखना, हम क्या क्या करती हूँ ये सब्जी बना के। तो अभी लाना है नमक, सामने ले लेंगे गाइस नमक, और बटन के इधर में ठेल देंगे गाइस। तो इधर है मेरा बड़ा बच्चा के लिए दूध, और इधर है मसाला गाइस, आप लोग देखेंगे तो शौक हो जाएंगे, क्योंकि हम सारे मसाला एक ही साथ में डालती हूँ, क्योंकि दूसरा डब्बा में हम डालने के लिए हमको बहुत बुरा लगता है, एक ही जगह में डाल के रखा है, जो अच्छा है वो निकालेंगे और इधर में दे देंगे। यहाँ में रेड चिली और है हल्दी और है चिकन मसाला, इधर है फिश मसाला, तो आज फिश मसाला भी जाएंगे इधर। तो अभी खोला नहीं है, तो मसाला देने के बाद में इधर में रख देंगे गाइस। मेरे के लिए तो आसान है, आप लोग कैसे रखते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बोलना। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, मैं तो बहुत बुरा जैसा रखती हूँ ना गाइस, तो क्या करेंगे गाइस, हमको ऐसे अच्छा लगता है, जो इजी है वही करती हूँ मैं गाइस। तो इधर है, ये नहीं होने से फिश करी नहीं बनेंगे, तो थोड़ा खट्टा जैसे बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा देंगे, हमको खट्टा खाने के लिए मन था गाइस, तो खट्टा ज़्यादा दे देंगे। तो ये देखो खट्टा, जो हम लोग आसामीज में ठकिया बोलता है, तो इधर का ये ठकिया जैसा नहीं होता है गाइस, इसका दूसरा पेड़ है, आप लोग को दूसरा दिन आप लोग को देखना है तो इसका पेड़ तो हमको कमेंट में जरूर बोलना, तभी आप लोग को दिखाएंगे इसका पेड़ कैसा है गाइस, हम लोग का वहाँ का जैसा ठकिया नहीं है गाइस। तो ये है कदम पुली ना, कदम पुली है कदम पुली बोलता है इधर में, हम लोग को नहीं मालूम हिंदी में इसको क्या बोलता है। तो इधर का बोल रही हूँ केला का कदम पुली बोलता है। तो पानी में यहाँ में डालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम डाल लेंगे,
ऑयल दे दिया गाइस, देखो ऑयल है, अभी देना है करी पत्ता। पहले करी पत्ता देने के बाद में देंगे गाइस प्याज। प्याज देने के बाद में देंगे मसाला गाइस, ठीक है। थोड़ा तो प्याज को पिंक पिंक कलर होना चाहिए ना गाइस, तो पिंक कलर होने के बाद में देंगे मसाला। ये रहा फिश मसाला गाइस, आप लोग देख लो, अभी देंगे फिश मसाला। ये मसाला हमको खाने के लिए बहुत टेस्ट लगता है, आप लोग को कैसे लगता है आप लोग कमेंट में बोलना गाइस। तो देख लो हम अभी मसाला दे दिया, मसाला का बाद में देंगे गाइस रेड चिल्ली। गाइस देख लो ये रेड चिल्ली, रेड चिल्ली दे लेंगे। रेड चिल्ली नहीं होने से भी ये करी जो खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है गाइस, रेड चिल्ली भी चाहिए। ये रहा हल्दी, यही तीन मसाला ओनली चाहिए गाइस घर में देने के लिए, और कोई भी मसाला नहीं चाहिए गाइस। तो अभी थोड़ा मिक्स कर लेंगे, मिक्स 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 गाइस। मिक्स करने के बाद में देंगे फिश, थोड़ा टाइम तो मसाला पकना पड़ेगा ना, तो अभी दे दिया फिर से। देख लो गाइस, आप लोग को दिखते है तो मालूम पड़ रहा है क्या दे रहा है। ये रहा अदरक और लहसुन और मिर्ची गाइस, ग्रीन मिर्ची। तो अभी मिक्स, देखो कितना सुंदर सा कलर है गाइस, ओ माय गॉड, टेस्टी टेस्टी खाना। तो अभी देना है फिश, आप लोग को फिश करी एक बार मेरे हाथ से खाने से फिर खाने के लिए मन होगा गाइस। हम अभी फिश देंगे गाइस, फिश को पूरा अच्छा से ऑयल में पकाना पड़ेगा गाइस। तो फिश दे दिया है, अभी आप लोग देख लो अच्छा से, नहीं ऑयल में नहीं पकेगा तो ये फिश ना थोड़ा जो खुशबू जो बहुत खराब से आएगा गाइस, थोड़ा ऑयल में जाना पड़ेगा। ये तो बहुत महंगा फिश है गाइस, बहुत महंगा है ये फिश, जो एक किलो का 400-500 ऐसा होता है, तो और ज़्यादा महंगा भी है, एक किलो का 800 का जैसा लगता है गाइस, ये तो 400 का है। तो अभी है ये हाफ किलो गाइस, तो हाफ किलो, आज मेरा बर्थडे है तो बर्थडे के लिए ला के रखा है, तो हम थोड़ा बॉईल करके पानी फेंक दिया है, उसका मैं बदबू हमको अच्छा नहीं लगता है ना गाइस, उसका खुशबू, तो बॉईल करके थोड़ा फेंक दिया है पानी। तो ये रहा गाइस, फिर से पकाया रहा हूँ पूरा टेस्टी टेस्टी गाइस, मजा लगी वो खाए यार एडो साइलो गाइस। तो एडो बनाई है पूरा मजा से, तो एडो पूरा पूरा मिक्स करना पड़ेगा गाइस अच्छी तरह से, मसाला अंदर जाना पड़ेगा, तब देंगे पानी। बेलम मतलब, बेलम मतलब हिंदी में तो पानी, मलयालम में वेलम, तो आसामीज में पानी दी मारो दिया। तो इतना थोसु इतना ढाकनी, थोड़ा ढक्कन लगा देगा गाइस, ढाकनी लगाम बोली पाइस और ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद में थोड़ा देर के बाद पानी देंगे गाइस, देख लो। तो हो गया ढक्कन हटा के, अभी देख लो गाइस कितना सुंदर से हुआ है। तो अभी दे देंगे वो पानी जो रखा हुआ था ना और कदम पुली का साथ में, तो वही दे लेंगे गाइस। ये हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बोलना गाइस, जो मेरा वीडियो देखता है। तो देख लो गाइस, अभी थोड़ा पानी दे के फिर से ढक्कन लगा देंगे, तो वीडियो एंड तक आप लोग देखते जाना गाइस। तो कोई कोई तो वीडियो में फूड कलर देगा पूरा रेड जैसा दिखेगा, हम तो फूड कलर नहीं दिखते, क्योंकि फूड कलर खाने की अच्छा बात नहीं है। तो ओरिजिनल सब्जी है गाइस, थोड़ा रेड दिख के, ज़्यादा भी रेड नहीं दिखेंगे क्योंकि फूड कलर मिस नहीं करूँगी, क्योंकि ओनली रेड चिली और है फिश मसाला का साथ। आप लोग का क्या जो रेसिपी शेयर करेंगे, देखो गाइस थोड़ा थोड़ा रेड हो रहा है, कितना टेस्टी लगेगा ये फिश करी खाने के लिए। आप लोग को बहुत टेस्टी फिश करी है गाइस, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। पकने के बाद में इसका जो खुशबू बहुत सुपर तरह से आता है, बहुत अच्छा तरह से आता है खुशबू, जो थोड़ा टाइम पकाना पड़ेगा क्योंकि आधा घंटा नहीं 20 मिनट का अच्छी तरह पकाने से अच्छा लगता है खाने के लिए। तो 20 मिनट के लिए अभी पूरा पकाएंगे गाइस, पकाने के बाद में हस्बैंड जो खाना खाने के लिए बहुत टाइम से बोल रहा है जल्दी पकाओ, इसलिए हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देख लो गाइस पूरा अभी उबल रहा है, उबलने का बाद में आप लोग को दिखाएंगे गाइस, तो थोड़ा वीडियो एंड तक देखना गाइस। तो ये खाना निकल गया है हस्बैंड के लिए, देखो गाइस ये फिश करी ऑर्डर है हस्बैंड, खा के दिखा बताओ, खा के बताओ, वही बोल रहा है खा के बताओ, बस टेस्टी हुआ है या। मेरा कपड़ा देखो गाइस निकल रहा है पूरा, बारिश का मौसम है, केरला में बारिश है लेकिन ठंड नहीं है गाइस। नानो हटो, देखो खाना खा के दिखा रहे हो। टेस्टी टेस्टी
Ừ, bà về.